क्या हाल चाल है भाई लोग। आज की जो वीडियो है बड़ी ही जबरदस्त होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि एमीवे बंटा है, मालूम है ना, उसके जैसे वोकल्स को मिक्स कैसे करें, उसके जैसे वोकल को साउंड कैसे करवाएं। मतलब एमीवे बंटा है के जो रैप सॉन्ग बड़े चल रहे हैं आजकल, ट्रेंडिंग पे चल रहा है लौंडा, तो उस लौंडे जैसे अपने वोकल को साउंड कैसे कराए, क्या उस लौंडे की आवाज जैसी है या फिर वो एडिटिंग का चमत्कार है। तो देखिए, कुछ तो उसकी आवाज पतली, थोड़ी पतली, एक तीखी आवाज है, और दूसरा एडिटिंग में भी कुछ ऐसा किया जाता है जिसकी वजह से उसके वोकल वैसे साउंड करते हैं जैसे करते हैं। तो ये वीडियो दो पार्ट में बनाने वाला हूं मैं। फर्स्ट पार्ट में क्या करूंगा, फर्स्ट पार्ट में मैं तुमको एनालिसिस करके दिखाऊंगा, क्या बोलते हैं, पोस्टमार्टम करके दिखाऊंगा उसके एक गाने का, नया जो गाना आया 100 कदम पे ट्रेंडिंग में चल रहा है, वो गाना सुना होगा आपने, नहीं सुना तो सुन लेना, अभी मैं चलाऊंगा। तो उसका एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे, क्योंकि जो सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसमें फिर मैं आपको एडिटिंग सिखाऊंगा कि कैसे उसके जैसे अपने वोकल को एडिट करके बना सकते हो। तो दो मैं इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये गाना जैसे चलाऊंगा मैं तो कॉपीराइट आएगा इस वीडियो पे, क्योंकि ये गाना मेरा नहीं है, क्यों गाना उसका है। तो इसमें एनालिसिस करेंगे, पोस्टमार्टम करेंगे, और फिर दूसरे में पूरा मैं एकदम सेटअप बैठा के अपना पूरा एक्सपेरिमेंट करके कैसे एग्जैक्टली उसकी तरह साउंड करवा सकते हैं वो सिखाऊंगा दूसरे पार्ट में। तो भाई आज की वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आज ये भी सीखोगे कि किसी भी गाने का पोस्टमार्टम कैसे कर सकते हैं। तो देखो ये है गाना, मैं गाना सुनाता हूँ, सुन लो एक बार, उसके बाद में इसका करेंगे हम पोस्टमार्टम। तो सुनो, करना है किसको भी प्रूव, मुझे पता है कि कितना हूँ काबिल, में मेरी है गिनतियाँ सबसे अलग, इसलिए तो औरों में होता नहीं शामिल, मैं आमिल है, देख कितना जिताऊ हिप हॉप को, इज्जत दे बाप को, करते हम काम तो रात को, याद रखते बात को, मिलजुल के रहते चाहे कोई भी जात हो, करते रे ड्रीम, मैं मेरी टीम, हम सीधा कर देते ड्रीम कम ट्रू, इंडिपेंडेंट। तो ये है गाना, ये गाना जो है देख सकते हो स्क्रीन पे, स्क्रीन पे अगर देखोगे कि बड़ा ही जो है कंप्रेस्ड है, देखो पूरा ऊपर तक टिकाया हुआ, मास्टरिंग में कंप्रेस किया और खतरनाक रूप से। लेकिन हम क्या करने वाले हैं, हम देखने वाले हैं कि कौन सी है वो फ्रिक्वेंसीज जो ये ऐड करता है अपने वोकल्स में, जिससे वो कट थ्रू द मिक्स करते हैं और इतने तीखी आवाज आती है। तो देखो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इसको हम एक ट्रैक पे डाल देते हैं, जैसे बस ट्रैक नंबर 1 पे डाल देता हूं, और इसके बाद मैं कुछ एक स्पेशल प्लगइन आज ऐड करने वाला हूं, वो है फेव फिल्टर का EQ। ठीक है, तो फेव फिल्टर का EQ, फेव फिल्टर ये क्यों कर रहा हूं मैं, ये भी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन सबसे पहले मैं कर लेता हूं फेब फिल्टर प्रो Q3 या Q2 जो भी है, Q2 चलो Q2 कर लेते हैं। तो ये EQ मैंने कर लिया यहाँ पे, इस ट्रैक में डाल लिया जिसमें मैंने सॉन्ग को डाला है। अब क्या करेंगे हम, अब हम फ्रिक्वेंसी सुनेंगे। तो देखो वोकल जो है वो हर गाने में लाउड होता है, तो इसमें भी लाउड है, और क्योंकि इस गाने में एक पार्ट ऐसा है तब मैंने ये गाना चूज किया जिसमें इंस्ट्रूमेंटल नहीं बज रहे हैं, वोकल ही ज्यादा आ रहा है, सुना ड्रीम, मैं मेरी टीम, हम सीधा कर देते ड्रीम कम ट्रू, इंडिपेंडेंट का सीन सीखता हर दिन। तो यहाँ पे क्योंकि इंस्ट्रूमेंट इतने नहीं है तो उससे हमको एनालिसिस करने में आसानी होगी, चलो सुनते हैं। ड्रीम मैं मेरी ड्रीम, मैं ड्रीम, मैं मेरी टीम, हम सीधा कर देते ड्रीम कम ट्रू, इंडिपेंडेंट का सीन सिखता हर दिन, रातें काली नहीं अब है रंगीन, जितना दिया अभी सब लेंगे छीन, सब ले मिनली सब लेने लगी मीनिंग, गाने का ड्रीम, मैं मेरी ड्रीम, ड्रीम, मैं ड्रीम, दिया अभी ड्रीम, मैं ड्रीम, मैं मेरी टीम, हम सीधा कर देते ड्रीम कम ट्रू पार्ट का। इसकी देखने वाले कौन सी फ्रीक्वेंसी है जो ज्यादा इसमें डोमिनेंट है, वो कैसे देखेंगे, वो देखेंगे फेव फिल्टर के EQ से। तो इस EQ की खास बात जो है वो ये कि कोई भी फ्रीक्वेंसी, जैसे ये फ्रीक्वेंसी है, इसको अगर मैं यूं स्वेप करता हूं तो इस फ्रीक्वेंसी को मैं सोलो करके सुन सकता हूं, यानी देखना अभी अगर मैं चलाता हूं ड्रीम, मैं मेरी टीम, हम सीधा कर देते ड्रीम कम ट्रू, इतनी फ्रीक्वेंसी मुझे सुनाई देगी। तो अब हमको इसका पहले तो कर्व देखेंगे हम कि कर्व कहां पे जा रहा है, कहां पे डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी आ रही है, तो पता चलेगा कि ये फ्रीक्वेंसी ज्यादा ऐड की हुई है, और फिर उसको सुनेंगे क्या वही डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है, अगर हाँ तो फिर हमको पता चल जाएगा कि हमको भी जो आगे जो मेरे को दूसरी वीडियो बनानी है उसमें मुझे कौन सी फ्रीक्वेंसी को ऐड करके एक्सपेरिमेंट करना है। ये किसी भी सॉन्ग के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, तो देखना सुनना। ड्रीम मैं मेरी टीम, हम सीधा कर देते ड्रीम कम ट्रू, इंडिपेंडेंट का सीन सीखता हर दिन, रातें काली नहीं अब है रंगीन, जितना दिया अभी सब लेंगे छीन। अब चलो इसको स्वैप करते हैं फ्रीक्वेंसी को और सुनते हैं कहां पे जो है इसकी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी है वोकल की। चलो ड्रीम मैं मेरी टीम, हम तो 4000 के पास में इसने बड़ा ऐड किया हुआ इसमें, तो 4000 की जो फ्रीक्वेंसी है उसके पास में, और उसके साथ में आगे सुनते हम ड्रीम मैं मेरी टीम, जो आगे वाला है हाई जो है 9000-8000 के पास, जो मैंने आपको वोकल मिक्सिंग की वीडियो में बताया था पैरेलल कंप्रेशन के साथ में हाई एंड ऐड करना, तो वो ऐड किया हुआ है और उसके साथ सुनते हैं ड्रीम मैं मेरी टीम,
या अभी सब लेंगे छीन सबलिमिनली सब लेने लगी मीनिंग अभी मैं घुमा घुमा के देख रहा हूँ कहाँ पे ज्यादा फ्रीक्वेंसी आ रही है ये देखो 2500 के पास 2500 के पास भी बूस्ट किया हुआ है 2500 और 4000 और 8000 और सुनते ड्रीम मैं मेरी टीम और लो एंड भी अच्छा खासा ऐड किया हुआ है 100 हर्ट्ज तक हमको वोकल सुनाई दे रहे हैं तो इसका मतलब लो एंड में भी वोकल रखे गए हैं तो जो लो एंड है उसको रखा गया है उसके साथ में जो 2500 है उसको रखा गया है जो 4000 है उसको रखा गया है और 8000 के ऊपर वहां पे बूस्ट किया गया है तो अब ये कैसे किया होगा इसने इसने जो किया है वो इस तरीके से किया है कि जो ये क्या करते हैं जो मैं सेकंड वीडियो बनाऊंगा उसमें प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा अपने रिकॉर्डिंग करके उसको एकदम एग्जैक्टली साउंड करवाना की कोशिश करूंगा एमयूए की तरह ताकि पता चल सके कि क्या एडिटिंग प्रोसेस क्योंकि ये जो रैपर जो है इनकी सबकी अपनी अलग अलग वोकल चेन होती है तो उस वोकल चेन में ये क्या प्लग इन काम में ले रहे हैं क्या एडिट कर रहे हैं वो ये नहीं बताते क्योंकि वो इनका सीक्रेट होता है क्योंकि आवाज जो है वो सबकी लगभग लगभग सेम होती है इतनी हाई एंड इतनी तीखी आवाज जो कट थ्रू द मिक्स ऐसी ओरिजिनल में किसी की भी नहीं होती जन्म से कोई लेके नहीं आता समझ रहे हो वहां के पेट से लेकिन यहाँ पे आके जो कंप्यूटर में इधर उधर के प्लग इन काम में लेके और फिर उसको ऐसा बनाया जाता है तो ये बताएंगे नहीं क्योंकि उससे इनका थोड़ा सा एक तरीके से डिसरिस्पेक्ट होती है कि भाई ये तूने बनाई है तेरी आवाज नहीं है तो उसको हम देखेंगे सेकंड पार्ट की वीडियो में एनालिसिस करने के बाद में जैसे एनालिसिस करके मैंने तुमको दिखाया कि 2500 इसमें है 4000 इसमें है और 8000 में भी दिया गया है और 100 तक इसने अपने वोकल को रखा है तो ये क्या किया है इसने इसने किया है जो मैंने आपको बताया था पैरेलल कंप्रेशन यानी कि एक आवाज जो मेन वोकल है उसको कंप्रेस किया उसको तो जैसा है वैसा रहने दिया उसके बाद में अलग अलग उसको राउट किया गया है और उसको अलग अलग फ्रीक्वेंसी को अलग से कंप्रेस करके मिक्स किया गया है और डीएसए वगैरह काम में लेके कंट्रोल किया गया उस फ्रीक्वेंसी को तो ये सारा काम पार्ट टू में हम करेंगे लेकिन अभी जो है इस सॉन्ग का जो एनालिसिस है उसके हिसाब से तुमको पता चल रहा है कि देखो ड्रीम मैं मेरी टीम देख कितना जीता हूं हिप हॉप को इज्जत दे बाप को करते हम काम तो रात को याद रखते बात को मिलजुल के रहते बाकी जो ट्रैक है उस ट्रैक को तो नीचे रखा गया और वोकल को बड़ा लाउड रखा गया और लाउडनेस जो आ रही है वो सारे ट्रैक से ज्यादा लाउड क्या आ रहा है जो फ्रीक्वेंसी को बूस्ट किया गया जो पैरेलल कंप्रेस किया गया वो सारी फ्रीक्वेंसीज है वो बूस्ट होकर बाहर आ रही है तो भाई दूसरे पार्ट में सारी जो इसकी सीक्रेट खोलने की मैं कोशिश करूंगा और जहां तक हो सके वहां तक उतना एडिट आपको करना सिखाऊंगा कि इसके एकदम पास में लेके जा सके वैसे की वैसी वॉइस को जो है बना सके वैसी एडिट कर सके और साथ में उसके मैं कोशिश करूंगा कि प्रीसेट और जो मैंने एडिटिंग किया उसका प्रीसेट भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड करने के लिए दूं ताकि कोई भी डाउनलोड करके उसको कर सके दोनों मैं करने की कोशिश करूंगा पहले तो मैं वेव्स के प्लगइन से और फिर फिल्टर इनसे करूंगा और स्टॉक प्लगइन से भी करने की कोशिश करूंगा और दोनों के प्रीसेट में कोशिश करूंगा कि नीचे दे सकूं तो भाई तैयार रहना उस वीडियो के लिए जो सेकंड वीडियो आने वाली है उसमें मैं बताऊंगा कि मिक्स कैसे हम FL स्टूडियो में कौन कौन से प्लगइन लेके एमईवे बनता है की तरह वोकल्स को मिक्स करेंगे तो अभी के लिए चलता हूं बीट बनाते रहो मजे करते रहो बाय बाय।